ये पाइप्स में, ये पाइप के अंदर एयर है ऑलरेडी, एटमोस्फेरिक एयर है, ठीक है, एटमोस्फेरिक प्रेशर की एयर है. अब जब वैक्यूम प्रेशर मतलब ये एयर, दिस पाइप विल बी एक्टिंग एज अ रिजर्वायर, रिजर्वायर फॉर वैक्यूम, समझ रहे हैं? जैसा कंप्रेसर में रिजर्वायर रहता है वैसे ये वैक्यूम, इसमें वैक्यूम रहेगा, वैक्यूम रहेगा, वैक्यूम क्रिएट रहेगा. अभी नॉर्मल प्रेशर का एयर रहेगा और जब हम लोग पंप चालू करेंगे तो इसमें इवैक्यूएट होना चालू हो जाएगी यहाँ, और जो इवैक्यूएट होगी वो एयर का प्रेशर यहाँ पे दिखेगा इन टर्म्स ऑफ वैक्यूम प्रेशर, इंच ऑफ एचजी एंड एमएम ऑफ एचजी, वैक्यूम प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर. वैक्यूम प्रेशर देखो यहाँ से उल्टा जा रहा है, निगेटिव जा रहा है, क्योंकि वैक्यूम है बिलो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, तो वो निगेटिव में जाएगा, ठीक है. हम लोग को क्या है एमएम ऑफ एचजी, मतलब जो ये सरफेस है, ये जो स्केल है, ये जो स्केल है, ये स्केल से हम लोग को एक्चुअली रीडिंग्स लेने हैं, ठीक है. अब इसमें दो अलग अलग स्केल लगाए, एक ये बॉर्डर टू प्रेशर गेज है, ये जो है ये कमर्शियल वाला है, ठीक है, ये कमर्शियल वाला, ये स्टैंडर्ड है रेफरेंस, और ये कमर्शियल वाला है जो नॉर्मल मार्केट में मिलता है, ये रेफरेंस है, ये कमर्शियल वाला है. अब हम लोग को करने का क्या है, वी नीड टू कैलिब्रेट दिस कमर्शियल रेफरेंस गेज विद द कमर्शियल गेज विद रेफरेंस गेज. और जब हम लोग चालू करेंगे ये, ठीक है, सिस्टम जब चालू करेंगे तो बाय रोटेटिंग दिस नॉब, कौन सा रोटेट, यही नॉब है रोटेट करना, ठीक है, ये नॉब रोटेट करना चालू करेंगे तो वैक्यूम क्रिएट होना चालू हो जाएगा. जैसा वैक्यूम क्रिएट होगा तो जो वायर्स है उसके अंदर का, उसके अंदर इवैक्यूएशन ऑफ एयर चालू हो जाएगा. जैसा चालू हो गया वैसे यहाँ पे वो रीडिंग दिखाना चालू कर देगा. अब ये रीडिंग भी दे रहा है और साइमल्टेनियसली यही पाइपलाइन इसके साथ अटैच है, ठीक है. और जब यो प्रेशर, जो प्रेशर यहाँ पे, वो प्रेशर यहाँ पे मिलना चाहिए आइडियल कंडीशन के अंदर, हाँ. लेकिन ऐसा नहीं होता है. सो देयर विल बी अ स्मॉल वेरिएशन इन बिटवीन रेफरेंस गेज एंड कमर्शियल गेज. तो वो कितना वेरिएशन है, दैट वी नीड टू कैलिब्रेट, दैट्स इट.